नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ त्रीटा जी हैं जो 20-25 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाएंगे। नमस्कार मैम, रीटा जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रीटा जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपके? मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा में आप काफ़ी लंबे समय से आ रहे हो। 20-25 साल तो। कैसा माहौल लगता है आपको आश्रम का? माहौल बहुत अच्छा है और लड़कियों की देखे तो यहाँ पे खूब सेफ्टी है और अच्छा लगता है आके यहाँ। कभी भी ऐसा माहौल लगा जैसा मीडिया में प्रचार किया जा रहा था? अच्छा, नहीं हमें तो नहीं। बीइंग गर्ल, सेफ महसूस करते हो अपने आप को आश्रम में? पूरा पूरा सेफ महसूस करते हैं। मैम, जो आरोप लगाए जा रहे थे चार साल पहले, काफ़ी बातें उठाई जा रही थी, उसके बारे में क्या कहोगे? बस हम तो उन्हें सच मानते नहीं हैं। हमने तो यहाँ ऐसा कुछ देखा नहीं और हम तो जन्म से ही आ रहे हैं यहाँ पे। जब से मैं जन्मी हूँ तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं। संत जी का चरित्र कैसा है जी? चरित्र में तो कोई सवाल नहीं उठा सकता मैम, लेकिन मीडिया में काफ़ी बातें दिखाई जा रही थी, क्या जवाब दोगे आप उन खबरों को? उनका तो ऐसा ही है कि हम तो मतलब सब सारे झूठे तो बोल रहे हैं। सच क्या है फिर? मैं एक्चुअली में संत जी का क्या योगदान है समाज के लिए, क्या सच्चाई क्या है उनकी? योगदान तो उन्होंने जैसे हम देख रहे हैं कि 134 या 135 ऐसा वो मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं और समाज के लिए हर एक मतलब जो है वो आगे जाके हर एक कार्य में आगे जाके वो काम कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं उनके बारे में। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? हाँ, बहुत ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि सच्चाई को देखे और मतलब जो ये मीडिया वगैरह ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये झूठे प्रचार कर रहे हैं, ये सरासर झूठे हैं, तो उनको मतलब वो बाहर निकाल दें। संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव आपको लगता होंगे समाज में? जो समाज में तो हर तरीके से ही बदलाव होगा, लड़कियों को भी आगे जाने मतलब वो इतना मोटिवेट करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक अपील कर रही है कि संत जी समाज में आने चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। सच का साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई।